टीकमगढ़ में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अचानक जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कैदियों का हालचाल जाना और उन्हें सत्य की राह पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जेल में अपने समय का उपयोग भगवान की भक्ति में करें, ताकि समय भी कट जाएगा और भगवान से जुड़ने का एक माध्यम भी मिल जाएगा। टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जेल से कुछ ही दूरी पर चल रहा है। जेल में रहने वाले कैदी बाहर लगे साउंड से कथा का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन से वंचित है। हर कोई उनके दर्शन कर मिलना चाहता है। ऐसे में जेल के अंदर बंद कैदियों की ऐसी अभिलाषा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी कर दी। आज अचानक टीकमगढ़ जिला जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने पहुंचे और उनके हालचाल भी जाने। जेल प्रशासन ने उनका स्वागत किया और कैदियों से मुलाकात कराई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। उनकी अपेक्षाओं की कामना ही उसकी कामना। तो रही बात कष्ट या पीड़ा की, तो हमें लगता है साधु जितना दुख दूसरों के लिए झेलता है उतना शायद कोई नहीं झेलता, इसलिए साधु की बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर बात है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर आप सब जानते होंगे, बहुत अद्भुत कवि रहे हैं वो अमिताभ बच्चन, उनका बड़ा सम्मान बड़ा आदर करते रहे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार। करके भगवान की भक्ति कर सजा में भी तुम मजा ढूंढ लो, सजा में भी तुम मोक्ष ढूंढ लो, सजा में भी तुम उन्नति ढूंढ लो, सजा में भी अंदर जेल में बैठे बैठे जब कोई चिट्ठी लिख करके पुस्तक का लेखन कर सकता है, पुस्तक बना सकता है, पुस्तकों का निर्माण कर सकता है समाज को सुधारने के लिए, तो तुम भी अपनी सजा में व्यर्थ समय मत गवाओ। खाने पीने और सोने में इन चार दीवारी के अंदर तुम भी ईश्वर के संपर्क में जुड़ना प्रारंभ कर दो, ध्यान करना प्रारंभ कर दो, फिर तुमको ये जेल खाना भी तुमको पूरी दुनिया नजर आएगी। तुम बंदी गृह में होते हुए भी मुक्त नजर आओ, तुम्हें लगेगा कि हम मुक्त हैं और मोक्ष की तरफ है, लेकिन ये जो जीवन है, ये जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, ये एक दिन बीत जाएगा। तुम चिंता मत करो, ये बीत जाएगा। सबका बीतता है इस दुनिया में, जो रहता है वो बीत जाता है, कुछ भी स्थाई नहीं रहता, सब बीत जाता है। एक राजा रहता था एक जगह। राजा एक बार युद्ध करने गया और रास्ते में एक महात्मा की कुटी मिली। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा ने कहा आप कृपा करो। महात्मा ने एक पुड़िया दी अंगूठी बना करके और कहा इस पुड़िया में कुछ लिखा है कागज में, हाँ लेकिन याद रहे इस अंगूठी को तब खोलना, इस ढक्कन को तब खोलना जब तुम्हें बहुत मुसीबत हो, जब तुम्हें बहुत प्रसन्नता हो, दो बार खोलना, इस पुड़िया में जो लिखा है उसको समझना। राजा ने सोचा ठीक है, ऐसे साधु तो मिलते रहते हैं। और राजा ने वो अंगूठी पहन ली, गया युद्ध करने। युद्ध में वो राजा हारा गया और इसकी सेना मारी गई। राजा डर के मारे भागा, पीछे पीछे शत्रु सेना के घुड़सवार सैनिक पीछे पीछे भागे। राजा पहाड़ के ऊपर जाकर छिप गया गुफा में। घोड़ों की टाप, घोड़ों की आवाज पीछे आ रही थी। राजा हांप रहा था, बेचैन था, पसीना से लथपथ था। राजा को लग रहा था कोई मुझे पकड़ ना ले, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूं क्योंकि मेरी सेना मेरी मारी गई और मेरे राज्य पर किसी दूसरे का राज्य स्थापित हो गया है। राजा रो ही रहा था, पहले सोच रहा था मर जाऊं, पहले सोच रहा था भाग जाऊं या क्या करूं। तब तक राजा को वो साधु की पर्ची याद आई। राजा ने उस फकीर की पर्ची को पढ़ा, उसमें लिखा था जो है सो बीत जाएगा। और उसने वो पर्ची बंद करके रखी और मानो भीतर के तार खुल गए। याद रखना संत महापुरुष की एक बाणी ही काम करती है। राजा के दिमाग के तार खुल गए और पर्ची कह रही है जो है सो बीत जाएगा। राजा ने कहा मुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी बीत जाएगा।
राजा चुपचाप बैठ गया। सच भी है, जो घोड़े पीछे लगे थे वो कब चले गए, राजा को सुनाई भी नहीं दिया कि घोड़े कब चले गए। रात हो गई, थका मारा सो भी गया। सुबह प्रातः काल उठा, छिपते लुकते अपने मित्र राजाओं के पास गया, मदद की गुहार की। मैत्री राजाओं ने इस राजा के साथ सेना भेजी और फिर से इसने युद्ध किया और फिर से ये जीत गया। और जीत करके ये गांव अपने शहर में आया तो गांव के लोगों ने राजा का स्वागत ठीक वैसे किया जैसे होना चाहिए। ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूल उड़ाए जा रहे थे, पुष्प उड़ाए जा रहे थे, दुंदुभियां बजाई जा रही थी, सहनाइयां बज रही थी, सब स्वागत कर रहे थे। और राजा भी बड़ा प्रसन्न कि देखो मैं वो राजा हूं जो हारने के बाद भी जीता हूं। लेकिन इस प्रशंसा में अपमान में भरा राजा तब तक उसकी उंगली पर फिर नजर जाती, अंगूठी को खोलता और चिट्ठी फिर पढ़ता और उसमें फिर वही लिखा था जो है सो बीत जाएगा। और राजा के भीतर का पंछी उड़ गया, जो राजा बड़ा जोर जोर से हाथ हिला रहा था, हाथ जोड़ रहा था, गौरवान्वित हो रहा था, आंखें डबडबा के कह रहा था मुझे देखो मैं हार करके जीत के आया। लेकिन वो भीतर का पंछी अभिमान का उड़ा और उसे लगा कि ये भी तो बीत जाएगा। भजन करो, हमें तो जेल अधीक्षक महोदय ने आज्ञा दी, हम बस आप लोग आ नहीं सकते थे, हम आ गए। तो भगवान का भजन करो, जो यहाँ पर बैठे हैं भगवान करे सबको सुख बुद्धि मिले और सब एक दिन जल्दी बाहर आओ। राजा दोनों हाथ जोड़कर प्रजा को प्रणाम करने लगा और धीरे धीरे राजा घर पहुंच गया। मेरे माई बाप, ये तुम्हारे लिए शिक्षा है कि तुम जो यहाँ बैठे हो, ये तुम्हारे साथ जो बीत रहा है ना, ये भी एक दिन बीत जाएगा। और तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुरान है, लेकिन याद रखना भूल लौट कर मत कर। पास बड़ी कृपा होती है, उसको स्वीकार भर कर ले। गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन गलती अगर पुनरावृत्ति हो, फिर से वो दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, वो उसको आदत कहते हैं। आदत सुधरना बड़ा मुश्किल होता है, गलती सुधरना सरल है, आदत का सुधरना बहुत मुश्किल है। और मेरे माई बाप, आप जो जो भी यहां बैठे हैं, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये गलती जल्दी हमेशा के लिए सुधर जाए, ताकि आप भी अपने बच्चों के पास प्रसन्नता के साथ रह सके। भला कौन बाप चाहता कि हम अपने बेटों से दूर रहें, कौन बेटा चाहता कि हम अपने पिता से दूर रहें, परिवार से दूर रहें। हमारे अंदर जो टीस भर गई कि हम उसके कारण जेल आए हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, हम तुमसे एक बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, इस दुनिया में तुम मौन रहो और क्षमा करना सीख लो। संसार किसी को भी नहीं छोड़ता है, परमात्मा सबको जवाब देता है। तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी और का उदाहरण देंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। हम अपना खुद का उदाहरण देते हैं, हमारे पीछे जब कोई विरोध करता है तो हम उत्तर नहीं देते, हमारी एक आदत। और ज्यादा से ज्यादा हम कुछ बोलते भी हैं तो धीरे से कह देते हैं सेम टू यू। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, या तुम ये भी कह सकते हो कि हमारे पास सिद्धि है, लेकिन हमने कभी अपने परमात्मा से या हनुमान जी से प्रार्थना नहीं की है कि अमुक व्यक्ति हमें परेशान करता, लेकिन हमारे हनुमान जी को दिखता है और उसका परिणाम यह है कि एक से डेढ़ या दो महीने वो हमारा विरोध करता है और अंत में वो खुद क्षमा मांगता हुआ आता है। अब उसे क्या होता, क्या क्या दंड मिलता, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमा करने की कला आ जाए, तुम्हारे अंदर ये जो टीस भरी है, टीस जानते हो, खुन्ना मन में मला, क्या मुझे तो बर्बाद कर दिया, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बताऊं, जितनी बीत गई सो बीत गई, अब संभाल। अब तक जो बीती सो बीती, अब संभालो। अब संभल गई तो अगला जन्म संभल जाएगा, अब संभल गई तो तुम्हारी जिंदगी के बचे 10 साल भी मुस्कुराकर निकल जाएंगे।
अब समझ गई अगर तुम्हारी आदत और तुम्हारी भूल अब समझ गई तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी समझ जाएगी। तुम्हारा ये मानना है कि इस दुनिया में कोई गुनहगार नहीं है, गुनहगार बनाया जाता है समाज द्वारा, और ये बिल्कुल भूल की बात है। तुम ये जो कारागृह में जेल में आए हो, कोई ना कोई बहुत बड़ी भूल तो हुई ही है तब आए हो। अब तुम कहो कि हमने गलती नहीं की, हमें बेगुनाह फंसाया गया, तब भी कोई ना कोई तो ऐसा कर्म तुम्हारे द्वारा हुआ है कि तुम्हें ये भोगना पड़ रहा। ये बिल्कुल भी मन में मलाल मत रखो कि किसी के कारण हो रहा है। तुम आज के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करो, आज से और अभी से नई जिंदगी की शुरुआत करो। जिनके कुछ साल अभी सजा को बचे भी हैं, यहाँ पर सजा वाले कौन कौन है? टोपी वाले सब सजा वाले। कितने कितने साल? 10 साल की सजा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।